हे फैमिली, वेलकम इन माई ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये मेरे वीडियो एक हफ्ते पहले की है, और इसका मैंने अभी तक वॉइस ओवर करना था जो मैंने नहीं की। और अभी एक्चुअली हम लोग सो फ्रेंड्स, देखिए ये लास्ट दिन की वीडियो है, जिस दिन हम लोग को आने से जिस दिन आने वाले थे उसकी रात की वीडियो है। तो सारा रूम पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, और मैंने सोचा ऐसे शूट कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। और आप लोग समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे जगह को छोड़ के आने फिर कैसे फीलिंग्स आ रही होगी। और यहाँ देखिए सारा सामान हम लोग का, लगेज वगैरह सब कुछ पैक हो चुका है, और पूरा रूम हम लोग खाली कर दिए हैं। और फ्रेंड बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग रूम खाली किए थे, कुछ भी नहीं छोड़े थे, मतलब सब कुछ, और एक पेपर तक सब कुछ, डस्टबिन वगैरह सब कुछ कूड़ा उड़ा वगैरह हटा उटा दिया था हम लोगों ने। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सो यहाँ पे जो कंबल हो सबको बोरे में हम लोग पहले धूप में सुखाए थे, फिर भर के, और कंबल को उस बोरे में भर के उसके बाद सुबह अच्छे से इसको सिल दिया। और बहुत ज़्यादा काम था फ्रेंड्स उस रात, तो हम लोग खाना भी नहीं खाए थे। और ये देखिए, इसको मैंने वहाँ पे चिपकाया हुआ था और लेके आई हूँ, यहाँ पे चिपकाना है, अब अभी तक चिपका नहीं है। और हाँ, पीछे मिरर वगैरह सीनरी है, फ़ोटो है कॉलेज की हमारी, जो कि अभी यहाँ भी नहीं लगा है, वैसे ही रखा हुआ है। एक्चुअली भैया से बोला हम लोगों ने, देखते हैं कब तक को लगता है, काटी वगैरह लगवाना है रूम में। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, समय की सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है, बोरे को इतने अच्छे से सिल रही है। और उसके बाद फ्रेंड्स इतना ज़्यादा सामान था, हम लोग तो समझ नहीं पा रहे थे कैसे हो क्या होगा, और बहुत ज़्यादा परेशान थे सब कुछ पैक करना, ऊपर से मतलब थक जा रहे थे हम लोग। और फिर यहाँ पिकअप वाले को भी फ़ोन हो चुका, वो पिकअप तो ऑनलाइन बुक हुआ था, और वो रात में मतलब फ़ोन कर दिए थे, सुबह 7 बजे तक आने के लिए बोला था, बट नहीं आया, लेट हो गया। और यहाँ देखिए, शम्मे को प्यास लग गई है तो पानी पी रही है, और वेशिंग में कुछ बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने सोचा उसको धुल लेती हूँ, और सारे बर्तन वगैरह धुल के साफ करके रख दिया था हम लोग ने। उसके बाद एक्चुअली उस दिन कुछ बना था, तहरी बना था, जो कि कुकर बचा हुआ था, उसको लास्ट में हम लोग गिरे साफ किए फिर। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कितना कैसा फील होता है एक्चुअली, जो लोग घर छोड़ के रहते हैं ना, और मतलब कहीं से भी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होते हैं ना, और फीलिंग को समझ सकते हैं। और अभी तो फिलहाल मतलब यहाँ पे थोड़ा ठीक लगने लगा है, नए जगह पे आके थोड़ा एडजस्ट होने में दिक्कत होता है और सब हर जगह। और इसको हाथ देखिए, वेसिंग को भी मैंने बहुत अच्छी तरह धुल दिया, ताकि मतलब जाने के बाद कोई ये ना कहे कि मतलब गंदगी छोड़ के चले गए, और अच्छा भी नहीं लगता है ना, सब कुछ इतने अच्छे से बीत गया तो फिर क्या। और फिर से यहाँ पे देखिए बाथरूम में वगैरह में से सारे बाल्टी वगैरह सब कुछ इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने, और वो सब पूछ रहे थे पिकअप वाले की। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देखा कि हमारी पैकिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हम लोग, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, सुबह 7 बजे निकलना भी हम लोगों को यहाँ से। तो यही खिड़की था जो गिर गया था, और अभी तक लगा नहीं है, और रात के 11 बज रहे हैं, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा थक गए। अभी हम लोग डिनर भी नहीं किए हैं, और अभी जस्ट अभी जाएंगे हम लोग डिनर करेंगे। सारा पैकिंग हो चुका है, और जो बस खाए वो कुकर वगैरह है जिसमें तहरी बना है, और वो भी पैक करना है। और फ्रेंड्स हम लोग सुबह तो कुछ नहीं, सुबह नहीं कुछ खाएंगे, सुबह निकल जाएंगे। और ये देखिए शीशे में आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मिस करेंगे हम लोग। गुड मॉर्निंग, तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, और हम लोग बहुत जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि हमारी पिकअप भी बहुत जल्दी आ जाएगी, और सारा सामान नीचे उतारना है। तो हम लोग तीसरे मंजिल पे हैं, तो धीरे धीरे करके सारा सामान उतारना पड़ेगा हम लोग को, और जो कि बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, और अभी नाश्ता वगैरह तो कुछ बनेगा नहीं, तो बस सामान उतारना है, चलते हैं। देखिए सामान, और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अच्छी तरह पूरा रूम साफ़ कर दिया, सारा सामान हटाने के बाद फिर झाड़ू लगा दिया हम लोग। और एक्चुअली यहाँ कोने पे हम लोग चटाई डाल के रखे रहते थे ना, गोद गद्दा, तो इसलिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वाइट है। और रूम को पूरे अच्छी तरह झाड़ू लगा के साफ़ कर दिए,
और फ्रेंड्स यहाँ देखिए समय भी आ गई है और सब लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे हम लोग। फ्रेंड्स देखिए अब सारा सामान हम लोग का नीचे उतर रहा है। मुझे बड़ा जल्दबाजी बचा के किनारे से बॉटल तो बैग में रखेंगे ना क्योंकि पानी पियेंगे रास्ते में जाना है तो। एक बार चेक कर लेते हैं ना वो मिरर वगैरह ला के दे देते हैं। प्रियंका सर कुछ छूटा तो नहीं है ना रूम में। बैग तो साथ में जाएगा, मेकअप का सामान, बैग और बस तैयार होना है। यार हमने एक झोला भी नहीं बचाया है प्रियंका का, किस में रखा है झोला में और है पॉलिथीन वगैरह में टिफिन और चले जाए। हाँ बस कपड़ा रखे नहा लें। प्रियंका कर रहेंगे ना आज क्या बोली हाँ तुम रिश्तेदार हो रहे रोते गाते निकलते थे हम लोग जो इसके पहले रूम छोड़ते थे। हाँ बाबू बाय। तब अभी से कुछ कहना चाहोगे ब्लॉग में? हाय कहना चाह रहे हैं ए बाबू बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी रहेंगे हम लोग। गलती होगा तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आंटी भी जा रहे हैं हम लोग। आंटी रिकॉर्ड कर हंसते रहो। क्यों बुला दिया के साथ देखिए कपड़े अच्छा याद रखेंगे तुम लोग देखो क्या करते हो। बहुत मिस करेंगे आंटी। बाय बाय आखिरी बार बाय। हाँ यार हम लोग यहीं से बुक कर लिए उस दिन।
फालतू में तो पीछे पीछे चल दिया विदाई कर रही है। जा जा जा। चलो बाय बाय गोरखपुर। ये गलियां तब याद आएगा। अब तो प्रियंका ब्लॉग में आएगी दीदी तो पता चल जय हनुमान। चलिया बन के गई बताओ मुझे। उतर गए धीरे से पूछा था कितना रुपया वो बोलते ना मैं निकल गई बस स्टैंड से जो बस नहीं पागल तू क्या बस पैसा लेगा इतने पास का मैं गवर्नमेंट बस थी ना ये योगी को इसलिए बिताती हो ना तू मेरे पास तो साइकिल जाएगा अब पता नहीं जो भी जाए साइकिल जाए तभी अच्छा ये गलियाँ ये तेरा आएंगे तुम्हारे पास आएंगे मतलब अच्छा से रहिए कि अपन दरबार इतने साल रहे गोरखपुर में यार सब कुछ छूट गया यहाँ पे अब फिर जानते हैं कि गोरखपुर जैसा कहीं नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ रोते रोते निकल गए अब हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड वहाँ से पकड़ेंगे बस और चल देंगे अपने मंजिल की ओर बोल रही है